तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक होम मेड ब्लीच क्रीम की रेमेडी लेके आई हूँ क्योंकि हम में से हर किसी को एक ऐसी क्रीम की तलाश होती है कि जिसको हम एक दफ़ा अप्लाई करें और वाजे फ़र्क नज़र आए जिसका इफ़ेक्ट बिल्कुल ब्लीच की तरह हो जो कि हम बाज़ार से ख़रीदते हैं केमिकल वाली ब्लीच लेकिन जो घर पे हम बनाएंगे वो केमिकल फ्री ब्लीच होगी लेकिन इसका इफेक्ट बिल्कुल उस बाज़ार जैसी ब्लीच की तरह ही होगा और एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको वाजे फ़र्क नज़र आएगा आपकी कलर टोन में वाजफ़ फ़र्क होगा आपकी कलर टोन लाइटर होगी और उसके अलावा पिगमेंटेशन और स्कार्स वग़ैरह कम होंगे और आपको आपकी स्किन भी सॉफ्ट रहेगी उस पर किसी किस्म के रैशेज़ नहीं पड़ेंगे बस आपने उसको एक दफ़ा अप्लाई करके और ज़रूर ट्राई करना है और ये ब्लीच क्रीम होम मेड ब्लीच क्रीम है तो इसलिए आप इसको बेचिझक इस्तेमाल कर सकते हैं हर हाँ एज के लोग चाहे वो टीन एज में हैं या टीन एज से ज़्यादा हैं मेल्स हैं फीमेल्स हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं लगा सकते हैं विदाउट एनी हार्मफुल इफ़ेक्ट और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए ताकि नेक्स्ट भी आपको इस किस्म की वीडियोस मिलती रहें जी तो इस होम मेड ब्लीच क्रीम का फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है डव सोप अगर आपके पास डव सोप नहीं है तो आप इसके अलावा कोई सा भी सोप यूज़ कर सकते हैं पर प्रेफर यही करें कि आप डव सोप को यूज़ करें क्योंकि ये हमारी स्किन को सॉफ्ट रखता है और इसकी मॉइस्चराइजेशन को बरकरार रखता है तो इसलिए डव सोप को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफरेबल है नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क बिल्कुल एक स्मॉल सी क्वांटिटी दो से तीन चम्मच और इसको मैंने ओवन में प्लेस करके गर्म कर लिया है और उसके बाद जो हमने डव सोप ग्रेट कर लिया था दो से तीन चम्मच के बराबर वो हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद अब हमने यहाँ पे इसकी मिक्सिंग कर लेनी है तो मिल्क अगर गर्म होगा तो इसकी मिक्सिंग फ़ौर हो जाएगी और ये बिल्कुल एक क्रीम इसी शेप में आ जाएगा जी तो नेक्स्ट हम अब इसमें शामिल करेंगे एक चम्मच शुगर का जी हाँ शुगर हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाएगी शुगर हमारी स्किन के लिए एज अ स्क्रब काम करेगी और इस यहाँ इसमें से टैंट्स को रिमूव करने के लिए स्कार्स को पिगमेंटेशंस को रिमूव करने में हेल्पफुल रहेगी तो यहाँ पे शुगर डालने के बाद हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे तो यहाँ पे शुगर हमारी स्किन को एक शाइन देगा एक ग्लो भी देगा और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें डालने वाले हैं वो है मीठा सोडा जी हाँ बेकिंग सोडा और इसका हमने एक छोटा चम्मच पूरा भर के डाल दिया है अगर बड़ा चम्मच होगा तो आप इसमें हाफ़ शामिल कर सकते हैं और इसके बाद अब हम इनकी मिक्सिंग करेंगे तो मीठा सोडा डालने का मकसद क्या है कि ये हमारी स्किन से टैनस को रिमूव करे पिगमेंटेशंस को रिमूव करे हमारी कलर टोन को चेंज करे मतलब इसको लाइटर बनाए और इसके साथ साथ बिल्कुल एक ब्लीच ब्लीचिंग इफ़ेक्ट दे क्योंकि हम बहुत सी रेमेडीज़ में पैकिंग सोडा यूज़ करते हैं और ये किस लिए यूज़ किया जाता है टैंस को रिमूव करने के लिए पुराने से पुरानी पिगमेंटेशंस को रिमूव करने के लिए और बस पैक हमारा बिल्कुल रेडी है इसको अब हमने अप्लाई करना है आप इसको अपने हाथों पे अपने पैरों पे अप्लाई कर सकते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट पे जो कि आपको लग रहा है कि डार्क हो रहा है उसका कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है लाइक नेक आपकी बैक साइड पे फ्रंट साइड पे नेक के तो आप इसको अप्लाई करें उसके बाद दस से पंद्रह मिनट पंद्रह से मैक्सिमम पंद्रह मिनट आप इसको लगा रहने देंगे और इसके बाद जो है कॉटन मतलब से कॉटन की मदद से कॉटन को पानी में सोख करके आप इसको उतार लेंगे तो जैसे ही आप इसको उतारेंगे फ़ौरन से ही आपको वाजिफ़ फ़र्क नज़र आएगा कि आपकी स्किन टोन कितनी लाइट हो चुकी है तो आप इस पैक को हफ़्ते में एक से दो बार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो आपकी स्किन को हार्मफुल आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो और वाजिफ़ फ़र्क देखें कि एक ही इस्तेमाल से कितना फ़र्क आया है थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू अगेन